हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी रसोई। आज हम बनाएंगे मलाई मोहन थाल, जो कि काफी टेस्टी बनता है। और मैंने इसके लिए यूज किया है रेडीमेड मोहन थाल का आटा 500 ग्राम, जो कि इजीली मार्केट में मिलता है। 50 ml में यहाँ पे दूध यूज कर रही हूँ, जो कि आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो या फिर बॉयल भी। मैं नॉर्मल वाला यूज कर रही हूँ। और 50 ग्राम जितना मैं यूज करूंगी घी, जो कि मैंने मेल्ट करके रखा था। अब इसे हमें सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है। एक भी गांठे इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। और इसे मिक्स करने के बाद हमें करीबन इसे 10 मिनट से 15 मिनट तक ढक के रख देना है जी। और देखिए, ये हमारा आटा हो गया अब रेडी। इसे चन्नी की सहायता से आपको छान लेना है, ताकि कोई भी गांठे इसमें ना रहे। इसे अच्छे से आपको छान लेना है। जितने अच्छे से आप इसे छानोगे, उतना टेस्टी मोहन थाल बनेगा। और ये अभी हमारा आटा हो गया है रेडी, और इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है 50 ग्राम जितना घी, और इसे हमें अच्छे से स्लो गैस पे ही सेकना है। और ये सेकना आपको स्लो स्लो पे ही चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका सेकने का प्रोसेस ही मेन है। और इसे कम से कम 20 से 30 मिनट तक आपको सेकना पड़ेगा अच्छे से, ताकि ये गोल्डन कलर का हो जाए। तो आपको इसी तरह से धीरे धीरे इसे चलाना है, जलने बिल्कुल नहीं देना है आपको। ये कम से कम 20 से 30 मिनट तक अच्छे से इसे गोल्डन कलर आए तक भून लेना है। देखिए, मैं अच्छे से ही इसमें चला रही हूँ, और गैस आपको स्लो ही रखना है। और देखिए, इसमें काफी अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम इसे और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी करीबन फ्रेश मलाई, मैंने जो रेफ्रिजरेटर में स्टोर की थी घर के ही दूध की। ये करीबन 1 कटोरी जितना मैंने यूज किया है। और ये 2 टाइप से काम करती है, ये आपको घी का काम भी करेगी और मावे का भी, जो कि आपकी मोहन थाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाए। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स करके देखिए, ये तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसके लिए हम चाशनी प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है। इसमें मैं करीबन आधी वाड़की जितना पानी गरम किया है मैंने। और जैसे कि 500 ग्राम मेरा आटा है मोहन थाल का, तो मैं उसके अकॉर्डिंग 250 ग्राम शुगर यूज कर रही हूँ। और ये 250 ग्राम शुगर इसमें ऐड करके हमें इसे अच्छे से चाशनी बनाना है। और ये देखिए, शुगर यहाँ पे अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो गई है। और देखिए, जिस तरह से जब बबल्स आना शुरू हो जाए, तो आपकी चाशनी इसमें हो गई है रेडी। तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं, सिर्फ एक तार टूटे इतनी चाशनी हमें बनाना है, ज्यादा पतले नहीं, ज्यादा गाढ़े नहीं। तो आइए इसे चेक करते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको चेक करनी है, ड्रॉप लेके आपको फिंगर से इसे टच करके देखना है। अब ये हमारी चाशनी हो गई है रेडी। तो ये गैस को हम बंद कर देते हैं, और देखिए हमारा आटा भी वहाँ पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, मलाई इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारी चाशनी, और मैं मिक्स ड्राई फ्रूट पाउडर यूज कर रही हूँ, जिसमें मैंने काजू बादाम अखरोट और अंजीर और इलायची पाउडर डाला था, क्योंकि हमारे यहाँ अखे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते सीनियर सिटीजन, इसके लिए तो मैं पाउडर यूज कर रही हूँ। और चाशनी इसमें ऐड करके हमें अच्छे से इसे चलाना है। और ये देखिए, इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कलर काफी अच्छा आ गया है, गोल्डन कलर जैसे हमें चाहिए। इसका मेन प्रोसेस यही है कि आपको उसे भूनने में ज्यादा वक्त लगता है, और आप जितने स्लो पे इसे भूनोगी, ये उतना टेस्टी बनता है। करीबन और हमें इसे 7 से 10 मिनट तक चलाना है, और ये स्लो पे ही आपको ये चलाना है, ताकि हमारी चाशनी और ड्राई फ्रूट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और इनका स्वाद भी काफ़ी अच्छा आए हमें। और इस स्टेज पे अब हमें देखना है कि ये
हो गया या नहीं, तो देखिए ये तैयार हो गया है पूरी तरीके से। तो आइए मैं इसे सेट कर लेती हूँ। मैंने घी लगा के रखा था एक बर्तन में, और इसी तरह से हमें इसमें रखना है और अच्छे से इसे टैप करना है। आप थाली भी यूज़ कर सकते हो। मैं ये डिब्बे में सेट कर रही हूँ ताकि ये काफ़ी अच्छे से, और इस तरीके से इसको रखना है। और एक स्पून की सहायता से आपको इसे अच्छे से प्रेस करना है।